कम 2 महीना का समय चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी का स्टेनो एंड टाइपिंग टेस्ट का आज परीक्षा हो रहा है, ऑनलाइन परीक्षा है टाइपिंग का। और आपको बता दें कि छात्र जो हैं वो धांधली का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर जो है वो जितना गलती नहीं किया जा रहा उससे ज़्यादा गलती दे रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है इसको लेकर। छात्र, आपको बता दें हम कि आयोन डिजिटल जोन जो है फुलवारी शरीफ में, वहाँ पर उस सेंटर पर जो है वो हंगामा कर रहे हैं, परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। चलिए सुनिए छात्रों ने क्या कहा। टाइपिंग में बहुत सारे एरर्स आए हैं, 4 ही गलती था फिर भी बहुत सारे एरर्स आ गए, 6-7 को तो ऐसी हो गया, कोई फायदा है नहीं, पूरा ध्यान लिया था, 4 गो गलती है। सही टाइप कर रहे हैं फिर भी वो एरर ले रहा है, सही टाइप करने बाद रेट हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। यहाँ पे पूरी पूरी धांधली हो रही है और यहाँ पे जो हिंदी का सॉफ्टवेयर इन्होंने दे रखा है उसमें मतलब आयोग की तरफ से केवल 1.5 एरर ही माफ है, मतलब कि 4-5 गलतियाँ माफ है और यहाँ पे 8 गलतियाँ सॉफ्टवेयर अपने आप ले रहा है। तो मुझे ये बच्चा कैसे पास होगा, मतलब ये सारे पूरा करप्शन है, पूरा धांधली हो रही है। मतलब 4 दिन पहले ये फॉर्म चेंज कर देते हैं, कम से कम ये कोई तरीका होने ना होता है। कम 2 महीने का समय चाहिए, या फिर आयोग को बताना चाहिए नोटिफिकेशन में किसमें ले रहे हैं। तो ये मतलब कि पूरी की पूरी धांधली है, जो पैसा दे रहे हैं उनको पास कर रहे हैं, बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन सा सेंटर है ये? फुलवारी एम्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीएसएससी का ये स्टेनो एंड टाइपिंग टेस्ट है और यहाँ पर इस सेंटर पर फुलवारी शरीफ के इस सेंटर पर जो है वो छात्र हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो टाइपिंग हो रही है हिंदी का उसमें ऑटोमेटिक सही जो है टाइप किया जा रहा है और गलत जो है उसका ये एरर जो है वो अपने आप आ जा रहा है, सही टाइप करने पर भी एरर आ जा रहा है। इसको लेकर छात्र काफ़ी नाराज हैं और परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं, धांधली सेटिंग का आरोप लगा रहे हैं और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो ये जो है सिचुएशन बना हुआ है। आपको बता दें कि बीएसएससी जो है ये परीक्षा को ऑर्गेनाइज करा रही है, तो छात्र जो है काफ़ी नाराज हैं और वहाँ पर हंगामेबाजी चल रही है और धरना प्रदर्शन चल रहा है और परीक्षा को रद्द करने की मांग चल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।